नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक पेशेंट आए हैं मुंबई से अपनी कुछ परेशानियां लेके। तो हम इनसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करेंगे जिससे कि अपनी समस्या हमको डिटेल में बता पाएं और हम उसका समाधान कर सकें। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल है सर। अच्छा, कहाँ से? मुंबई से आए हैं? हाँ जी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी सर मेरी ये है कि मेरे लिंग में से तनाव नहीं आता है। कितने समय से है ऐसा? सर ये काफ़ी मतलब समझ लो एक साल से है। अच्छा। एक साल से नहीं आता है। मतलब ये तनाव जो है ये कम होना एकदम से गायब हुआ है या धीरे धीरे करके कम हुआ है? धीरे धीरे करके कम हुआ है। कितने समय में? 6 महीने से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो क्या तनाव आता ही नहीं है या रुकता नहीं है लंबे समय तक? आता है पर 1-2 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। आपने अपनी ब्लड शुगर वगैरह की, शुगर वगैरह डायबिटीज़ की जांच करवाई है? हाँ कराई थी सर। अभी मैंने इसका इलाज कराया था, 6 महीने तक मैंने इसका इलाज कराया तो उससे कोई मेरे को फ़ायदा नहीं। इलाज में क्या क्या किया आपने? इलाज में सर मेरे को मेडिसिन वगैरह ली थी मैंने जी, दोनों टाइम खाने की मेडिसिन दी थी मेरे को डॉक्टर ने, तो उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके। और ये थोड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि 5 मिनट हो जाता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था जी, तो उसमें इतनी संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने वो इलाज बंद कर दिया और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी परेशानी बेसिकली, इस जो तकलीफ इनको है इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, और इस समस्या के लिए हमारे कई पहले के लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें रही हैं उन सब का बहुत बड़ा रोल रहता है। पहले कुछ ऐसा हुआ है कुछ? हाँ सर, पहले मैं मतलब काफ़ी गलत चीज़ें कर चुका हूँ जी, हस्तमैथुन वगैरह मैं कर चुका हूँ। नहीं क्या वो फिल्म वगैरह देखने से भी बहुत अंतर पड़ता है, और बाकी फिर ठीक है, अब सब खत्म। अब हम देखेंगे अपन इसका समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब हम जैसे देख सकते हैं कि इन्होंने मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, तो अब हमारे पास फाइनली कुछ ट्रीटमेंट जो इनके लिए बचता है जो कि शॉर्ट ट्रीटमेंट है वो पिनाइल इम्प्लांट का रहता है। पिनाइल इम्प्लांट के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो पहले तो दूसरे डॉक्टर्स का बहुत देखा मैंने, दिल्ली में भी देखा तो वहाँ पर 2.5 लाख रुपये मांग रहे वो। कॉल अच्छा। करके भी मैंने पूछा था नंबर पर तो 2.5 लाख रुपये बताए, मुंबई में 2 लाख रुपये बताए और दूसरी जगह भी पूछा था। फिर आपका भी वीडियो देखा तो आपके क्लिनिक में पूछा था तो मेरे को 90,000 रुपये का बताया जी। तो फिर मैंने बात भी की थी, मेरे को अच्छा लगा बात करने में भी, तो फिर मैंने यहाँ पे आने का फाइनल किया और मैं आज आ गया। ठीक है। हाँ जैसा आप देख रहे हैं, अब आप मरीज़ के मुंह से स्वयं ही सुन सकते हैं कि बाहर भी कुछ जगह पर जहाँ ये प्रोसीजर रेगुलरली किया जाता है वहाँ चार्जेस वगैरह भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो ये सब परेशानियों के बारे में भी सब सोचना पड़ता है हमें। आपको एक बात विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कॉस्ट कम है हमारा और जगह के मुकाबले, तो इसीलिए आपके दिमाग में ये संशय या किसी भी तरह का शक या शुबा नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि हमारा कॉस्ट कम है तो हमारे रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। रिजल्ट्स हमारे कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं, बल्कि कई कई केसेस के अंदर तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स हैं। हमारे पास और जगह से भी पेशेंट जो कहीं पर इम्प्लांट कराए हैं फिर वहाँ उनको दिक्कत आई है और फिर उन्होंने वापस आके हमारे पास, हमने उन्होंने री इम्प्लांट करवाया क्योंकि उनको वहाँ पर इम्प्लांट निकलवाना पड़ा था ऐसे में, तो इसीलिए इसको लेके किसी भी तरह का शक या शुबा नहीं रखिएगा। कौन सा इम्प्लांट कराने में इंटरेस्टेड है? मैं सर इंडियन इम्प्लांट कराना चाहता हूँ। अच्छा, शाज पिनाइल इम्प्लांट। हाँ, जैसे कि आप उसके बारे में रहेंगे देखेंगे, शाज पिनाइल इम्प्लांट वो अपने पेनिस की लेंथ और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है किस तरह का, और उसके और भी इम्प्लांट्स हम करते हैं, जैसे हम रिजिकॉन भी करते हैं, हम ट्रैक्टरा भी करते हैं, और लेकिन मोस्ट कॉमन इम्प्लांट जो हमारे यहाँ किया जाता है वो शाज पिनाइल इम्प्लांट ही। और इसके इस इम्प्लांट में और दूसरे इम्प्लांट के रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है, रिजल्ट्स वगैरह सब इम्प्लांट्स में बराबर हैं। हाँ, पेशेंट का अपने कम्फर्ट और उसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स की उसकी ज़रूरत क्या है, बस ये रहता है कि इसके अंदर शाज पिनाइल इम्प्लांट में पेनिस हमेशा इरेक्टेड पोजिशन में रहेगा, वो परसिस्टेंट चीज़ है, बाकियों में आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं? सर मैं इसके बारे में मतलब
सेक्चुअल मैं कब कर सकता हूँ, सेक्स कब कर सकता हूँ और मेरे को क्या क्या इसमें रखना है मतलब? जब हम इम्प्लांट का प्रोसीजर करते हैं उसके बाद हम पेशेंट को, ज़्यादातर पेशेंट्स को 24 आवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर हम लोग स्पाइनल सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। नेक्स्ट डे हम पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज करके फिर हम उसका पेशेंट को भेजते हैं। जो सूचर्स लगाए जाते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं शुरू में, और हम वो 10-14 डेज में सूचर्स निकाल देते हैं। इस दौरान आपके जो पेनिस की पोजीशन है वो इरेक्ट रहेगी, और आपको इसीलिए आपको उसको छुपा के रखना पड़ता है कि आप टाइट कुछ कपड़े पहने, वी शेप के अंडरवेयर वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह के कपड़े पहन सकते हैं, जिससे कि वो अंदर दबा रहे हो, बाहर इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रहेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने वाली हमारे लिए आवश्यक है वो ये है कि इम्प्लांट करने के बाद आपको कम से कम 4-6 हफ्ते का गैप देना होता है, दैट मीन्स अ गैप ऑफ नियर अबाउट 4-6 वीक्स। तो हम तो मान के चलते हैं कि 6 हफ्ते का गैप दें मिनिमम तो अच्छा रहेगा। उसमें आपके टिश्यूज़ की हीलिंग वगैरह प्रॉपर हो जाती है, आपको जो हल्का बहुत ऑपरेशन के बाद एडिमा आता है वो सेटल हो जाता है, ताकि और आपके घाव में मजबूती आ जाती है, जिससे कि आगे जाके आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये आपका घाव गंदा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और पस वगैरह पड़ जाता है तो फिर हमको हमारे पास उस इम्प्लांट को निकालने के अलावा और कोई समाधान नहीं रहता है। हम इसीलिए जब भी ये इम्प्लांट खुद करते हैं इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो केस हमारा इम्प्लांट का केस हम जिस दिन करते हैं उस दिन पहला ये केस करें, उसके बाद बाकी केसेस का नंबर आए, और हम पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं जिससे कि आपके इन्फेक्शन की संभावनाएँ ख़त्म हों। आगे जाके जिससे कि आपके ये सब चीज़ें नॉर्मल चलता रहेगा तो आप 6-8 हफ्ते के अंदर अपना नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर सकते हैं और आपको किसी और की तरह समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुछ जानना चाहते हैं? मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मतलब सेक्स में जो अभी मैं नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी जी, तो इसके बाद कराने के बाद मैं 1-1.5 महीने बाद मैं अच्छे से कर पाऊँगा? बिल्कुल आप अच्छे से कर पाएंगे, उसमें किसी भी तरह की समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। हम रेगुलर पेशेंट से भी फॉलोअप लेते रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमको रेगुलर फॉलोअप देते हैं और बताते हैं कि उनको किसी भी तरह का सामना नहीं करना पड़ता है, और उसके अंदर जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका और आपके पार्टनर का दोनों वैसे ही रहता है सेटिस्फेक्शन लेवल जैसा कि आपके नॉर्मल इरेक्शन के दौरान रहता है। और बताइए? कुछ नहीं सर, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी ये दिक्कत ख़त्म कर दो, और मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस फील कर रहा हूँ तो वो मेरे को बिल्कुल फ्री कर दो माइंड से, और मैं ये इम्प्लांट कराना चाहता हूँ, आप मेरी इम्प्लांट कर सकते हैं? ठीक है, हम आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे, आप वो जांच करके हमको दिखा दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।